मोहन में शुभम कुमार सिद्धू हनुमान का ट्रेलर आ चुका है। जय श्री राम। अरे भाई ओम राउत की फिल्म नहीं है जो राम भरोसे चली गई, ये प्रशांत वर्मा की फिल्म है। ओ अच्छा, कौन है ये? है डायरेक्टर है, मतलब कि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं जिनकी फर्स्ट फिल्म है हनुमान और सेकंड फिल्म होने वाली है अधीरा। तो फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन इस साल सिर्फ ट्रेलर आया, उसी से काम चल रहे थे। आओ आ गए तो देख लेते हैं। आरकेडी स्टूडियो इंस्पायर्ड फ्रॉम द इतिहास ऑफ अखंड भारत। यतो हनुमानस्ततो जयः। रघुनन्दन रघुनन्दन रघुवर सेवन रघुपति चायनम् शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलङ्घन मे पावर सिर्फ सूट में हो ये काफी नहीं है, ताकत तो मेरी रग रग में दौड़नी चाहिए। सही बोल रहा है, विलन है ना। ऐसी ताकत कहीं तो होगी। अगर मुझे ये शक्ति नहीं मिली तो पूरे ब्रह्मांड में कहर मचा दूंगा। दुर्गा मैया की कसम, अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ तो सर धड़ से अलग कर दूंगी। तुम्हें केवल एक व्यक्ति के दुष्कर्म दिख रहे हैं किंतु एक महासंकट आने वाला है। कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है। जय श्री राम। मानवता को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा। इतना बड़ा ट्रेलर था, वो मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू चलने चाहिए क्योंकि हैवी बीजीएम नहीं है ना जहाँ पर गूज बम आ जाए मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक था। ऐसा लग रहा है कि इनके टारगेट ऑडियंस बच्चे होंगे उनके हिसाब से बनाया है, क्योंकि यार जो विलन वगैरह को मैंने देखा ना बचपन में, मैंने स्टार उत्सव पे एक सीरियल आता था कुछ कार्टून, हाँ नहीं बेताल करके कुछ तो आता था, उसका विलन भी सेम ऐसे ही दिखता था। लेकिन देखा जाए तो यार वरलक्ष्मी ठीक ठाक है, मतलब कि जो स्टार्टिंग वाला सीन था जहाँ पर
तेजा सज्जा रनिंग कर रहे थे चिता के साथ, वो सीन देख के आपको ट्रिपल आर की याद आ जाएगी जहां पर जूनियर एनडीआर चिता के साथ भागते, मतलब कि यार एसएस राजामौली तो एसएस राजामौली है यार। मुझे तो वो समानता लगी, मतलब कि है वो। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ शुभम, इसमें अगर श्रीराम का अगर बीजीएम डालते तो क्या ऑटोमेटिक अलग ही घुसबू मार जाता। मतलब कि वो कहीं ना थोड़ा फीका लग रहा था। हाँ, मिसिंग लग रहा था। लेकिन यार एक और सीन था जहाँ पर वो पत्थर लेके तेजा सजा खड़े रहते हैं, वहां पर थोड़ा एक्सप्रेशन वगैरह हैवी रहता है कि हाँ वो वजन है, थोड़ा तो वजन है, मतलब कि वो सुपर हीरो है लेकिन एक्सप्रेशन तो ऐसा फील होता ही है ना कि हैवी तो है थोड़ा। तो अगर वो सारे चीज ऐसा लगता है कहीं कहीं ना कुछ चीजें तो मिसिंग है। मतलब कि यार आप अगर पूरा ट्रेलर देखते हो और आप एंड में डिसाइड करते हो कि मैंने क्या देखा, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा खाली खाली था। मतलब कुछ तो एक पार्ट है जो मिस लग रहा है, अब वो बीजीएम बोल दो या फिर कहीं ना कहीं जो इम्प्रेसिव वीएफएक्स देखने को नहीं मिलता है, कुछ भी मतलब ऐसा लग ही रहा था। लेकिन ये यूनिवर्स की फिल्म है प्रशांत वर्मा की, अब तो भाई प्रशांत लोगों के ही मजे है, मतलब उनके ही चर्चे है। पर मुझे लास्ट वाला सीन भी बहुत मस्त, जहाँ पर हनुमान जी को खुद आना पड़ता है ये कलयुग में ऐसे पापियों को मारने के लिए। ओवरऑल ट्रेलर की बात करो तो इट्स अ गुड ट्रेलर विद गुड वीएफएक्स। ओवरऑल ट्रेलर की बात करो तो इट्स अ गुड ट्रेलर विद गुड वीएफएक्स एंड सीजीआई, मतलब कि बजट के हिसाब से तो मस्त है। अब देखो यहां से ना एक यूनिवर्स की शुरुआत हो जाती है प्रशांत वर्मा की, जिसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है अधीरा, मतलब कि काफी सारे सुपर हीरो देखने को मिलेंगे। तो ये सिनेमेटिक यूनिवर्स होने वाला है तो मजा तो आने वाला है। और एक और बात की ऐसे सारे फिल्में काफी कम बनते हैं, मतलब हमारे धर्मों पे फिल्में मतलब एक की दो गिन चुन के बनते हैं, तो उसे भी हम नहीं देखे तो फिर क्या देखे यार। तो आपसे भी गुजारिश है कि जरूर देखना यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो अगर आपको हमारा ट्रेलर रिएक्शन रिव्यू पसंद आ रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि हम मूवी रिव्यू भी करें। हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहां पर भी अपडेट आते रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।